Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Chaska with MH. MH means Manahil Hafiz. तो आज हम बनाते हैं एक बहुत मज़े की ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि वन पैन एग पिज़्ज़ा टोस्ट है. एंड एज यू नो एवरी वन इज़ पिज़्ज़ा लवर्स, सो वाई नॉट चेंज द रेसिपी. और क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में स्कूल्स वर्क प्लेसेस खुल गई हैं और अब फिर से वही क्वेश्चन कि नाश्ते में क्या करें और नाश्ते में फैमिली को भी क्या दिया जाए, तो आप ये रेसिपी बनाएं. और क्योंकि ये बहुत मज़े की भी होती है एंड इट्स वेरी क्विक, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड एन्जॉय द वीडियो. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so you can be the first one to watch my videos. Are you ready? Let's go. So these are the ingredients you need for this recipe. ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इस recipe के लिए चाहिए होंगी and I will tell you about them in detail as I go. So सबसे पहले आपको चाहिए हैं दो eggs, यानी दो अंडे. इनको मैंने एक बोल में क्रैक करके अच्छी तरह हवा मैंने विस्क कर लेंगे. आप फोक भी ले लें, मैंने यहाँ पे विस्क लिया हुआ है. तो जैसे ही आप एग्स बीट कर लें, यू कैन सेट देम असाइड. इन द मीन टाइम वी आर गोइंग टू कट आवर ब्रेड. तो यहाँ पे जितने आपको ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हैं उतने आप ले लें और आप इस तरह इनको हाफ काट लें फ्रॉम द मिडल. Now in a pan I have added about half a tablespoon of butter. यहाँ पर मैंने salted use किया है, आप unsalted भी use कर लें, doesn't make any difference. और फिर हमने जो eggs beat किए थे वो डाल दें. यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ मैं कि आपने जो flame है ना वो बहुत low रखनी है, वरना क्या होगा कि egg बहुत जल्दी पक जाएगा और हमने अभी काफ़ी ingredients add करने हैं. So make sure it's on very low flame. तो यहाँ पर मैंने जो bread थी उसको दोनों तरफ से coat कर लिया egg के अंदर, और जैसे ही पक जाए एक साइड से एग तो आप इसे फ्लिप कर लें. तो अब यहाँ पे मैंने टू यूटेंसिल्स की हेल्प से जो एग्स के कॉर्नर्स हैं उनको हम फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह देख कर लें. जस्ट फोल्ड द कॉर्नर्स. और अब यहाँ पे मेरे पास टमाटो प्यूरी है, आप चाहें तो आप टमाटो सॉस, केचप, जो मर्ज़ी यूज़ कर लें. यहाँ पे हाफ साइड पे मैंने टोमेटो प्यूरी स्प्रेड कर लिया है, उसके ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ बेल पेपर्स डिफरेंट कलर्स की, तीनों कलर्स की काट के रखी हैं. एंड ऑन द अदर साइड आई एम गोइंग टू प्लेस वन चेडर चीज स्लाइस, स्प्रिंकल सम सॉल्ट, ये आपके टेस्ट पे, आप जितना मर्जी सॉल्ट डाल लें. मैंने हाफ अ टीस्पून डाला है एंड ऑल्सो हाफ अ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर. अब हाफ स्लाइस जो था ब्रेड का उसको हमने फोल्ड कर लेना है और अब आपने इसको थोड़ी देर तक पकाना है जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी में द मेन थिंग इज़ द चीज़. सो चीज़ को मेल्ट कर लें और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं. एंड देयर अल्हम्दुलिल्लाह आवर वन पैन एग पिज़्ज़ा टोस्ट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड. अब यहाँ पे मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि इसका अंदर से जो चीज़ है वो कितनी अच्छी तरह का इफेक्ट दे रही है. ये देखें. सो एट दिस पॉइंट माई माउथ इज़ ऑलरेडी वाटरिंग, तो मैं इसको जाके खाने लगी हूँ. और अब आप इस वीडियो को देख के ख़ुद भी बनाएं, अपनी फैमिली को भी बना के खिलाएँ. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. If you did, then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. And I will see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice day.